And here's the change to the bowling attack. Shardul Thakur has come to bowl. And here he bowls the first ball and Pollard has hit him for a maximum. और यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव और नए गेंदबाज यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और बल्लेबाजी करते हुए कायरन पोलार्ड और वाह ये पोलार्ड की कदम चुंबड़ी छक्का और इसी के साथ शार्दुल ठाकुर आए और शार्दुल ठाकुर गए मैदान के बिल्कुल बाहर. It's a beautiful lofted shot. ABD, you are a treat for an eye. The ball goes out of the park. Brilliant. और ये ABD का बेहतरीन शॉट और इसी के साथ गेंद आकाश की गांड को छूते हुए स्टेडियम के बाहर जाकर चर्च गेट के स्टेशन पहुंच चुका है. वाह गुरु, वाह! Brilliant, brilliant bowling, right up in the block hole, cleaned him up. The batsman is totally baffled and he turned his way to the pavilion end. और ये बेहतरीन गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा और वाह बिल्कुल पाव और बल्ले के बीच से चीरते हुए जाती हुई ये गेंद और डंडा गोल करती हुई. वाह गुरु, वाह! इसी के साथ दोस्तों मुझे एक शेर याद आ गया. सुबह का गुला शाम नहीं होता, अरे यॉर्कर फुल टॉस नहीं होता, अरे एक लाल फूल गुलाब नहीं होता और हर एक पीला गुलाब नहीं होता. गुरु टुको टुको. और ये बॉल हवा में और ये फील्डर का बेहतरीन कैच. क्या कैच पकड़ा इन्होंने, भागते हुए जाके कैच पकड़ लिया. बहुत ही बढ़िया कैच है ये. और ये गेंद हवे में और फील्डर उसके नीचे और फील्डर ने पकड़ लिया है. वी वो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच. और ये बेहतरीन गेंद और ये विकेट. क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है इरफान पठान ने. सीधा क्लीन बोल्ड. और ये गुगली गेंद और इस गेंदबाज को विकेट मिल चुकी है और ये इसी के साथ बनते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच. और ये बैट्समैन का बेहतरीन पुल और ये छक्का. खिलाड़ी एकदम क्लासी और इन्होंने मारा है अन अकेडमी क्रैकिंग छक्का और इन्होंने मारा है क्रेड पावर प्ले में. और इसी के साथ ये बन सकते हैं अब स्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द टीम. वाह क्या शानदार टाटा सफारी स्ट्राइक मारा है इन्होंने. वाह Tendulkar hits a boundary. What a century by Sachin Tendulkar. What a short selection has he has made. Yeah, his hard work has totally paid off. And yeah, what a brilliant performance by the Master Blaster. And what a team performance. Wow. Aur ye Ravindra Jadeja ki behtareen finish. 6 ball mein 37 runs maar ke Ravindra Jadeja ban gaye behtareen finisher CSK ke liye. Aur iska shrey jata hai Dhoni ko. Dhoni ko kaise sir, Ravindra Jadeja batting kar raha tha. Aur tune dekha nahi kya last over chalu hone se pehle Dhoni ne jaake Jadeja ko bola wo ball sare outside off dalega to outside off hi khade rahi ho aur udhar se tu utha ke chhaga maar sakta hai. Aur dekho uska natija kya hua, Jadeja ne chhage pe chhaga mara. To iska matlab shrey kisko jata hai? धोनी को. हाँ जी धोनी को. धोनी वाह, धोनी वाह! और ये 0.01 सेकेंड वाली स्टंपिंग धोनी के दौरान वाह, फास्टर देन लाइट. मैंने अभी आग बंद किया तभी तो बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, जैसे आग खोला तो बैट्समैन गायब और फिर देखा कि बैट्समैन पवेलियन पहुंच चुका है. वाह धोनी सर बॉलर. अरे बॉलर क्या मारा, तूने देखा नहीं क्या एक बॉल पहले धोनी ने उसको यू 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 करने बोला था. इसका मतलब था तू वाइट डाल और मैं बॉल पकड़ूंगा और आउट कर दूंगा. तो विकेट किसको मिला?
धोनी। हाँ जी धोनी को मिल चुका है अगला विकेट। वाह धोनी वाह। Looks like a very unusual field. Andrew Sims is not giving up his wicket. The ball goes up in the air. This could be a wicket. He has taken it. Mohammad Kaif has taken the wicket. What a brilliant catch by Mohammad Kaif. Brilliant captaincy. And it was a very good bowling also. And the total team effort has just paid off. The credit goes to the total team. Right. पोलार्ड की बैटिंग ने तो पूरा सन्नाटा कर दिया है। पता नहीं कौन इनका विकेट लेगा। और ये गेंद हवा में, और ये हार्दिक पांड्या उसके ठीक सामने, और ये कैच, यस! और इसका श्रेय जाता है धोनी को। वाह वाह धोनी वाह। हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा है। अरे यार तू कितनी बार समझाना पड़ेगा। तूने देखा नहीं क्या एक बॉल पहले धोनी ने कैसे यहाँ वहाँ करके फील्ड सेट किया था। सर कैप्टन तो विराट कोहली है। अरे वो नाम का कैप्टन है। बट स्टंप के पीछे तो धोनी खड़ा है ना, और धोनी ने ही फील्ड चेंज किया। और देखा ना बाउंड्री लाइन पे कैसे उसने खड़ा किया वो प्लेयर को, और उसने कैसा कैच पकड़ा बराबर। तो श्रेय किसको गया? धोनी। Hey guys, thank you for watching my video. अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक दबाना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको कौन सा सीन ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और हाँ बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, पीस आउट।